भाई 10,000 बहुत ही टाइट बजट माना जाता है एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन खरीदने के लिए, और कुछ ही स्मार्टफोन कंपनियां ऐसी हैं जो आपको 10,000 की कीमत में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन देती हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 10,000 के बारे में। और भाई अगर आप 10,000 की कीमत में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होगी। तो आज जो हम आपको स्मार्टफोन बताएंगे वो सभी स्मार्टफोन आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए भाई बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। तो गाइस अब फटाफट से डायरेक्ट बात करते हैं स्मार्टफोन्स की। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है मोटो E7 प्लस। जी हाँ भाई 10,000 में ये मोटो का एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है और स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर दिया गया है जो आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। वहीं बात करें इसके कैमरा के बारे में तो इसके बैक में आपको 48+2 MP के साथ बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। भाई काफ़ी ठीक ठाक कैमरा क्वालिटी ये स्मार्टफोन आपको देगा और डुअल कैमरा सेटअप समझकर इसकी कैमरा क्वालिटी को भाई हल्के में मत लेना। काफ़ी अच्छी कैमरा ऑप्टिमाइजेशन मोटो ने इसके कैमरे की है, वहीं जिससे ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी बेस्ट कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा। वहीं बात करें इसके रैम स्टोरेज की तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिलता है जिसका प्राइस है 10,000 रुपये। तो भाई अब बात करते हैं 2nd नंबर के स्मार्टफोन की। तो हमारी इस लिस्ट में 2nd नंबर पर आता है रियलमी नार्जो 20। दोस्तों पिछले 2-3 महीने से 10,000 की लिस्ट में ये स्मार्टफोन टॉप पर बना हुआ है। वहीं बात करें इसकी स्पेक्स की तो इसमें आपको 6.5 इंच के HD+ डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, 6000 mAh की बैटरी दी गई है एंड मीडिया टेक हीलियो G85 का गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है जो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। वहीं बात करें इसके कैमरे की तो इसके बैक में आपको 48+8+2 MP के साथ बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बट यार इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कैमरे में आपको काफ़ी ऑप्शंस की भरमार मिल जाती है और काफ़ी गुड कैमरा क्वालिटी ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड कराएगा। भाई काफ़ी हाई लेवल की तो नहीं कहूँगा बट हाँ ओके कैमरा परफॉर्मेंस है इस स्मार्टफोन की। तो वहीं बात करें इसके रैम स्टोरेज की तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिलता है जिसका प्राइस है 10,500 रुपये। बट यार अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट के चलते ये स्मार्टफोन आपको 10,000 की कीमत में मिल जाएगा जो आपके लिए एक सुपर डील है। तो भाई अब बात करते हैं 1st नंबर के स्मार्टफोन की। भाई हमारा 1st नंबर का स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्ती स्मार्टफोन है और वो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। गाइज इसी स्मार्टफोन में आपको 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है जो इस स्मार्टफोन को काफ़ी यूनिक बना देता है और दूसरी बात ये एक इंडियन स्मार्टफोन है। तो बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है जिससे ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और मीडिया टेक हीलियो G85 का गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है जो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बात करें कैमरे की तो इसके बैक में आपको 48+5+2+2 MP के साथ बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको इन डिस्प्ले 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई माइक्रोमैक्स ने इसके कैमरे की काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है और काफ़ी अच्छे सेंसर माइक्रोमैक्स ने इसके दोनों कैमरों में यूज़ किए हैं जिससे ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा। बात करें इसके रैम स्टोरेज की तो यहाँ पर आपको 4GB की रैम 64GB का स्टोरेज मिलता है जिसका प्राइस है 11,000 रुपये। भाई मैं जानता हूँ बजट थोड़ा ज़्यादा हो गया बट अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट के चलते ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी कम कीमत में मिल जाएगा। तो भाई ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मैं आपको 2 ही स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा, रियलमी नार्जो 20 एंड माइक्रोमैक्स इन नोट 1। बट यार हमारा 3rd नंबर का स्मार्टफोन यानी कि मोटो E7 प्लस उन लोगों के लिए है जो अपने बजट को 10,000 से एक पैसा भी इंक्रीज नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए मोटो E7 प्लस सबसे बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा और इस प्राइस पॉइंट में ये स्मार्टफोन आपको बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस और बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। तो भाई माइक्रोमैक्स इन नोट 1 उन यूजर्स के लिए है जिनको एक बेस्ट इंडियन कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, तो उन लोगों के लिए माइक्रोमैक्स इन नोट 1 बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा। बस इसके लिए आपको अपने बजट को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो भाई ये थे टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन। अब आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से इन तीनों में से किसी भी स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं और ये तीनों ही स्मार्टफोन बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो भाई ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने अपनी पूरी कोशिश की है आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम।